नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। भारत दस्तक बहुजनों की हर खबर आपके घर तक। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से, और जितने बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया है सभी वीडियोस बना रही है, सभी उनके ऊपर न्यूज दे रहे हैं कि क्या होगा चंद्रशेखर का और आजाद समाज पार्टी का। तो एक उड़ती उड़ती खबर आई है सूत्रों के अनुसार से, तो सूत्रों की जो खबर है ये आपको मैं बताने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 11 तारीख को चंद्रशेखर जी ऐलान कर सकते हैं कि वो किसके साथ गठबंधन करने वाले हैं या फिर अकेले पूरा यूपी का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी उनके पापा जी की यानी कि उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, बरसी का कार्यक्रम था, इस कारण से ये जो घोषणा थी वो डिले हो गई, लेट हो गई। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि कल 13 तारीख को चंद्रशेखर जी जरूर एक ऐलान करने वाले हैं अपने गठबंधन को लेकर। अपने गठबंधन को लेकर जो भी दुविधा है और जो भी वो करना चाहते हैं वो जल्द जल्द उसका ऐलान करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों कल हमें देखने को मिल सकता है कि भीम आर्मी की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री चंद्रशेखर आजाद जी, वो किस पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं या फिर अकेले चुनावी रण में उतरने वाले हैं। और वैसे भी चंद्रशेखर ने तो ये घोषणा करी दी है भीम आर्मी ने कि हम लोग इन पर्सन यानी कि बड़ी बड़ी सभा करने में असमर्थ है आजाद समाज पार्टी, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सका उतना प्रचार और प्रसार करेंगे अपनी आइडियोलॉजी का, अपने घोषणा पत्र का। हालांकि दोस्तों कल 13 तारीख को जरूर ये देखने को मिल सकता है कि चंद्रशेखर आजाद जी क्या करने वाले हैं, क्या उनकी आगे की रणनीति है। तो दोस्तों आप क्या चाहते हो और आपको क्या लगता है क्या होने वाला है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूले। नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तभी आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट मिल पाएगी। देखते रहिए भारत दस्तक।